छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की रायशुमारी के लिए फोन नंबर और ईमेल जारी कर दिया है, जिसे पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, मुख्य सचिव के साथ सचिव स्तर की बैठक भी हो चुकी है, तो वहीं मुख्यमंत्री भी मंत्रियों के साथ बैठक करके बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में जनता से उनके विचार जानने की कवायद बस एक नाटक ही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि सरकार के पास विजन और रोड मैप नहीं है, सरकार केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में जुटी हुई है, किसानों पर कर्ज बढ़ा रही है और सरकार आर्थिक दिवालिए की ओर जा रही है। और इन सब चीजों के ऊपर सरकार ने कोई चीज स्पष्ट नहीं की, क्योंकि सरकार ने पहले ही इतनी सारी घोषणा कर चुकी है कि जिन घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, और इसलिए सरकार लगातार कर्जे में डूबते जा रही है। सरकार की दिशाहीन होने का मतलब ही यही है कि सरकार का विजन स्पष्ट होना चाहिए, सोच स्पष्ट होना चाहिए। चलिए खबर भोपाल से देखें, जहां पर लाल घाटी